प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड ईयर की रीतिकालीन काव्य धारा के महान कवि भूषण के बारे में पढ़ रहे थे, जो वीरस के महान कवि माने जाते हैं। आपको ये बता दें कि रीतिकाल की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की विपरीत इन्होंने जिस तरह का काव्य लिखा, यानी रीतिकाल की इस तरह की परिस्थितियां, संक्षिप्त रूप में मैं थोड़ा रीतिकाल के बारे में आपको प्रकाश डाल करके अंतिम जो हमारा पद्यांश है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कवि ने इस पद्यांश में श्रृंगार रस का बड़ा ही रोचक और आकर्षक वर्णन किया है। तो किस तरह से कवि भूषण ने श्रृंगार रस की उपेक्षा करके वीर रस को ही अपनाया। सबसे पहले ये बता देना चाहूंगा कि जिस समय रीतिकाल की परिस्थितियां थी, उस समय लाल और सुदन नामक दो कवि थे। उन दोनों कवियों ने भी वीर रस पर अपनी रचनाएं लिखी थी। उस समय स्वयं भूषण भी वीर रस को अपना करके अपने काव्य की रचना कर रहे थे, किंतु जितने भी कवि थे, रीतिपद, रीतिमुक्त और रीतिस्थ, तीनों ही काव्य धारा में श्रृंगारिकता का मुख्य स्थान था। श्रृंगार रीतिकाल को, यानी हम ये कह सकते हैं श्रृंगार श्रृंगार रीतिकाल का मूल विषय था, मूल विषय था। यहां तक आ गई नंबर एक। श्रृंगार के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि श्रृंगार उस समय, रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार के दो पक्ष माने गए हैं, एक श्रृंगार है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में जहां परस्पर नायक नायिका आपस में मिलते हैं वो संयोग श्रृंगार, जहां एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वो वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार की जो रसिकता थी वो इस युद्ध, इस काल में प्रमुख थी। रीतिकाल के सभी कवियों ने श्रृंगारिकता में ही अपनी रुचि दर्शाई थी, कोई भी ऐसा कवि नहीं था। किंतु कवि भूषण ने श्रृंगारिकता से हट करके उल्टा रीतिवीर काव्य को अपनाया। उन्होंने वीर काव्य को अपनाया। दूसरी बात यह है कि श्रृंगारिकता के साथ साथ नायिका भेद, जिसमें देव का नाम आता है, नायिका भेद, इसका भी वर्णन कर रहे थे। स्त्री की शारीरिक सुंदरता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए नायिकाओं का भी अलग अलग वर्ग कर दिया गया था, नायिकाओं को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। और कई नायिकाएं, वास्तव सज्जा नायिका, परोसित पति का नायिका, तो कई तरह की नायिकाएं थी। तो सभी प्रकार की नायिका को अलग अलग भागों में बांट करके उनकी क्रियाकलापों का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में कवि देव जैसे कवियों ने किया है, किंतु इन्होंने नायिका भेद का भी अधिक रुचि नहीं ली। इसके अलावा इन्होंने, सबसे बड़ी बात है इसमें, श्रृंगारिकता का रस की अनुभूति, रस के साथ छंदों का भी प्रयोग, ये रीतिकाल की देन है। रीतिकाल में रस के साथ साथ छंद भी प्रमुख थे। बिना रस के, बिना छंदों के रीतिकाल में कोई भी काव्य रचा नहीं जाता था, किंतु कवि भूषण ने रस में केवल वीर रस को ही स्वीकार किया, या हम विभत्स कह सकते हैं, विभत्स रस, उस रस को स्वीकार किया है।
रौद्र रस बोल को भी कह सकते हैं, रौद्र रस यानी क्रोध, इसका स्थाई भाव। भयानक रस भय जिसका स्थाई भाव है। तो इन रसों को का में ही अपनी रुचि दिखाई है उन्होंने, वीर विभत्स रौद्र भयानक इन सभी रसों में, यानी हमारे भूषण कवि ने सर्वाधिक रुचि ली है। साथ ही साथ में देखिए रीति काल के जितने भी कवि हैं वो सब दरबार की दरबारी कवि थे, इसलिए क्या करते थे चाक चाटुकारिता इनकी मूल विषय प्रवृत्ति थी कि वे अपने आश्रयदाता की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते थे, किंतु ऐसा भूषण कवि ने नहीं किया। अगर हम बात करें कि चाटुकारिता का मतलब होता है कि प्रशंसा करना झूठी, तो भूषण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भूषण के जो जिस दरबार में रहते थे वो तो एक तो रुद्रदेव चित्रकूट के राजा रुद्रदेव, दूसरे थे शिवाजी, तीसरे थे छत्रसाल, ये इनके दरबार में रहते थे। रुद्रदेव जिन्होंने इसे भूषण का नाम दिया, ये भूषण उपाधि है, देन है, कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, लेकिन आज उपाधि के नाम से ही इस कवि को जाना जाता है। हम ये कह सकते हैं ये नाम ही है एक तरह का, क्योंकि और कोई उदाहरण इतिहास में उनका नाम मिलता ही नहीं कि उनका वास्तविक नाम क्या था भूषण का। रुद्रदेव की दी गई एक उपाधि थी भूषण, जिसका जिसके आधार पर ही समस्त काव्य लिखा गया है। इसके अलावा शिवाजी जो थे वो हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में आए, वो वीर थे, वीर भावना से भरे हुए। तो वहीं छत्रसाल उनके दरबार में भी रहते थे, तो उनकी वीरता की भी इन्होंने चर्चा की है, वीर भावना। तो दोनों में ही वास्तविक रूप से वीर भावना का समावेश था, इसका तात्पर्य यह है। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठी प्रशंसा करते थे, शिवाजी वास्तविक रूप से जिस दरबार में वो रहते थे, जिस राजा के यहाँ रहते थे, उसकी वीरता की सच्ची प्रशंसा वो करते थे, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल का नाम इतिहास में अमर है। इसलिए जबकि द्वितीय काल के अन्य कवि दरबारी होने के साथ साथ वो केवल श्रृंगारिकता का ही या नारी सुंदरी का ही सर्वाधिक चित्रण किया करते थे, और इसलिए आपने देखा होगा, नाम सुना होगा जिसका नाम है आपने केशव दास, रीतिपथ काव्य धारा के महान कवियों में इनका नाम आता है। देखिए छंद और अलंकार, इनके काव्य में बिना छंद और अलंकार के तो कभी किसी की रचना संभव ही नहीं। कई बार तो केशव दास को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि छंदों की भरमार लगा दी उन्होंने अपने काव्य में। दूसरी बात है कि यहां अलंकार के कारण, अत्यधिकता के कारण, कलिष्टता आ गई, क्लिष्टता आ गई, कठोरता। छंदों का अजाय भर अलंकारों के कारण कठिन काव्य का प्रेत बन गया वो, ये ऐसा नहीं था भूषण के काव्य में। भूषण जो लिखते थे उनकी भाषा थी ब्रज भाषा का वो प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा में संपूर्ण अपनी काव्य लिखी है। वैसे रीति काल का जितना भी काव्य है सब ब्रज भाषा में लिखा गया है, लेकिन उस ब्रज भाषा में भी शुद्ध और सात्विक रूप को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। दरबारी संस्कृति उनकी दृष्टि में एक अनुकरणीय संस्कृति नहीं थी, बल्कि वो वास्तविक रूप को ही स्वीकार करते थे, वास्तविक जो चीज थी उसी के बारे में वो बात करना चाहते थे। कवि भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने शिवा पावनी, छत्रसाल दशक
जैसी रचनाएं लिखी, अलंकार नाम ग्रंथ भी लिखा, किंतु उनकी न तो रचनाओं में क्लिष्टता है न कहीं अन्य रचनाओं में, समस्त जगह कहीं न कहीं उनके काव्य में केवल वीर भावना की ही अनुभूति होती हुई दिखाई देती है। हम ये नहीं कह सकते कि छत्रसाल ने इस तरह का कार्य किया या शिवाजी ने उस तरह का कार्य किया, केवल उनकी वीरता और उनके किए गए समाज हितैषी कार्य को ही कवि भूषण ने सर्वाधिक महत्व दिया। तो हमने ये यहां तक बताया कि किस तरह से कवि ने शिवाजी को ही सर्वाधिक महत्व दिया या छत्रसाल को ही सर्वाधिक महत्व दिया। जब बात आती है कि वो किससे ज्यादा महत्व देते हैं, तो एक द्वंद का प्रश्न उठता है कि वास्तविक रूप से वो न शिवाजी को अधिक महत्व देते हैं न छत्रसाल, छत्रसाल को। उनकी दृष्टि में दोनों ही राजा महान हैं, किसी एक राजा की वो प्रशंसा नहीं करते। वो कहते हैं कि जितने महान शिवाजी है उतने ही महान छत्रसाल भी हैं। इसलिए छत्रसाल और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये हिंदू धर्म के रक्षक है, हिंदू धर्म के रक्षक। तो वहीं शिवाजी छत्रसाल ने वीरता की अनूठी जो भावना है वो देखी जा सकती है। उन्होंने उसकी तलवार, बर्ची, इन दोनों को ही आतातायियों का अंत करने के लिए पर्याप्त माना है। हिंदू शिवाजी हिंदू धर्म के एक रक्षक के रूप में सामने आए। कवि भूषण ने उन्हें हिंदू धर्म और का रक्षक कहा है। कवि भूषण राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। रीति काल के राष्ट्रीय कवि हम ये कह सकते हैं, रीति काल के। कारण क्या है कि बहुसंख्यक हिंदू धर्म में आस्था व प्रतिनिधित्व के कारण वे एक राष्ट्रीय कवि कहलाते थे। क्योंकि वैसे तो कुछ कहते हैं कि जातीय कवि है, किंतु जातीय कवि का मतलब होता है कि जैसे दूसरे कवियों ने लिखा उसी भांति राष्ट्र कवि यानी भूषण ने भी लिखा है। देखिए, कवि भूषण ने राष्ट्रीयता का भी पहचान दी, हमारे देश की एकता, अखंडता, हमारे राजाओं के बीच में आपसी फूट के बारे में भी चर्चा की है। एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने दिन रात यानी ऐसा प्रयास किया है कि ताकि वो राजा, सभी राजा आपस में मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान दें। तो इसलिए राष्ट्र कवि भूषण ने हिंदू धर्म बहुसंख्यक होने के कारण उनका वो प्रतिनिधित्व भी करते थे, हिंदू धर्म में उनकी पूर्ण आस्था भी थी। इसलिए हिंदू धर्म के जो लोग थे वो उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में मानते हैं। किंतु यहाँ रीतिकाल का जो कवि है, रीतिकाल में केवल भोग विलास की ही प्रधानता थी, भोग विलास मुख्य रूप से था, यानी श्रृंगारिकता, नारी सुंदरता, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि नैतिकता नाम की जो चीज थी वो नष्ट हो चुकी थी। नैतिकता नहीं थी, नीति नहीं थी, नैतिकता नहीं थी, वातावरण बहुत दूषित था। असली नायक नायिका क्या बन गए थे, यानी सामान्य देवी देवता नायक नायिका बन गए थे, जैसे राधा ने कृष्ण और राधा, ये क्या बन गए थे, नायक नायिका के रूप में। यानी पूज्य भाव इनसे दूर चला गया था, पूज्य भाव का कोई नाम नहीं था, किंतु ये सब
रीति काल की विशेषताएं हैं, किंतु जो प्रेम है और प्रेम का शुद्ध और सात्विक रूप भी देखने को मिलता है, प्रेम की अनुभूति यह इस रीति काल की प्रमुख विशेषता है। क्योंकि श्रृंगार रस होने के कारण श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वह है रति, रति और रति से तात्पर्य प्रेम। जहां भी रीति काल की चर्चा होती है वहां प्रेम की अनुभूति अवश्य होगी। चाहे वो आप किसी भी काव्य में देख लो, प्रेम की अनुभूति सदैव उस काव्य को अग्रसर करती है। कवि भूषण ने भी अपने काव्य में प्रेम को तो महत्व दिया ही, किंतु उन्होंने अश्लीलता को कभी स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अश्लील वर्णन भी कर दिया है, जिससे कि जो साहित्य है वो दूषित हो गया है। रीति काल का एक ऐसा साहित्य है जहां नारी सौंदर्यता को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, वहीं कवि भूषण लाल और सुदन जैसे ऐसे कवि थे जिन्होंने वीरता को ही अपने काव्य का विषय बनाया। वीर में वीरता के भाव में जो है ओज गुण होता है, ओज जगाने वाली बात थी। जहां ओज होता है वहां परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। ये अछूते रहे इन विचारधाराओं से, ये रीति काल में रहकर वे जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहकर भी वो बेदाग रहता है, उसी तरह से कवि भूषण भी एक ऐसे रीति काल के महान कवि थे जिन्होंने उस भोगविलासता रूपी कीचड़ में या दूषित वातावरण में रहकर भी अपने आप को वो निष्कलंक रखे। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे देश की मान मर्यादा, उसके अस्तित्व की ही सदैव चर्चा की है। कैसे हमारे देश में जो फूट है उस फूट को समाप्त करके हम एकता के सूत्र में बंधे, हम आपस में मनमुटाव न हो, हम आपस में लड़े नहीं, छोटे छोटे राजा छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपस में झगड़े नहीं। क्योंकि इस झगड़े का फायदा विदेशी जो लोग हैं, दूसरे जगह से आने वाले लोग हैं, वो अवश्य हमारी इस फूट का लाभ उठाते हैं। हमने पद्यांश में भी पढ़ा कि किस तरह से फूट के कारण बड़े बड़े राजाओं के परिवार और परिवार के कुल नष्ट हो गए। तो इसलिए फूट नहीं रहनी चाहिए, कोई भी समस्यात्मक बात है उसका उचित समाधान होना चाहिए। कवि भूषण ने इस पद्यांश में भी, इन पद्यांशों में भी ये बताया है। और कवि ये जातीय कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है, जातीय, क्योंकि इन्होंने वही अनुकरण किया जो पिछले कवियों ने किया, किंतु एक सामान्य रूप में। अलंकारों की बाढ़ नहीं आई, अलंकार एक सामान्य रूप में अनुप्रास, रूपक, श्लेष और यमक जैसे अलंकारों की अनुभूति इनके काव्य में है। क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, इसलिए इस अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। कवि भूषण ने भी, क्योंकि नाम ही भूषण है, तो भला भूषण अलंकारों से रहित कैसे हो सकते थे। अलंकार तो काव्य की शोभा बढ़ाता है, अति अलंकार यानी बहुत ज्यादा बढ़ा करके काव्य की शोभाहीन कर देता है। तो कवि भूषण ने तो एक ही जो हमारा रस है वो रस है वीर रस, उसी रस को पकड़ करके या ले करके अपना संपूर्ण साहित्य की रचना उन्होंने की। निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है, एक सम्माननीय व्यक्ति है, और उन्होंने कहीं कहीं अवश्य श्रृंगार रस की अनुभूति अपने काव्य में कराई है। नायिका श्रृंगार रस के उस रूप का चित्रण किया है, लेकिन आंशिक रूप से, ये अधिक रूप में या अश्लीलता का चित्रण उस समय नहीं है। कवि भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना प्रमुख है, राष्ट्रीय चेतना प्रमुख है, इसलिए कवि ने इनके बारे में, कवि भूषण के बारे में कहा जाता है कि कवि भूषण श्रृंगार रस के कवि हैं या राष्ट्रीय चेतना के कवि। इस संदर्भ में भी परिचर्चाएं होती है, बातचीत होती है, तो यही संदर्भ दिया जाता है कि शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहने के कारण उनके मन में हमारे देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो अपने आप में अनूठी थी। देश को वो एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, और उनके जो
जिस दरबार में वो रहते थे उनकी जो राजा थे वो भी बड़े यशस्वी पराक्रमी और युद्ध कुशल में निपुण थे, इसलिए दरबार में सदैव भूषण का मान सम्मान होता रहा है। युद्ध के समय में भी उन्होंने उस राजाओं ने जोश उत्पन्न करने के लिए युद्ध में कुशलता से लड़ने के लिए कभी कभी वो उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रचनाएं किया करते थे कि ताकि उनका जो राजा है वो विजित हो, पराजय न हो। औरंगजेब जैसे अत्याचारी जो शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर के धर्म परिवर्तन का संकल्प दोहराया, वही कवि ने बताया कि शिवाजी जो हिंदू धर्म के रक्षक की बनकर के सामने आए और उन्होंने हिंदू धर्म की पूरी तरह से रक्षा की। यहां तक हमने पढ़ा। अब हमारे एक पद्यांश जो हमारा शेष रह गया था, ये पद्यांश हम ये कह सकते हैं कि इस पद्यांश में ने ये जो पद्यांश है, ये जो संपूर्ण पद्यांश है, इसमें है श्रृंगारिता। और श्रृंगारिता में भी ये नारी सौंदर्य है। नारी सौंदर्य में भी इसमें है छत्रसाल की रानी है लक्ष्मी मां देवी। उस लक्ष्मी देवी के शारीरिक सौंदर्य का पर चित्रण किया है। अपने विचार दिए हैं। लक्ष्मी देवी छत्रसाल की रानी थी। जब शिवाजी उनके दरबार में अर्थात भूषण जब उनके दरबार में पहुंचे तो दोनों सौंदर्य के प्रतिमान थे। यहां पर जो छत्रसाल थे, छत्रसाल को नायक है और लक्ष्मी देवी नायिका है। तो देखिए एक सामान्य राजा रानियों को भी इन्होंने नायक नायिका के रूप में चित्रित कर दिया। श्रृंगारिता तो है, श्रृंगारिता में भी नारी सौंदर्य का चित्रण किया है। संयोग पक्ष का वर्णन है इसमें, संयोग पक्ष मुख्य रूप से आया है इसमें। बहुत ही अच्छे शब्दों में कवि भूषण ने पद्यांशों को बताया है। देखिए, अति सोधे भरी सुखमा सुभरी मुख उपरी आई रही अलकी। कवि छत्रसाल की रानी लक्ष्मी देवी का वर्णन करते हुए कहते हैं अति सोधे बहुत ही सुंदर भरी लक्ष्मा शरीर पूरी तरह से उनका पूरी तरह से आभाषित बहुत ही सुंदर उनका शरीर है। सु खरी मुख ऊपर आई रही अलखें। जो वो बैठी हुई है दरबार में रानी लक्ष्मी देवी, तो उनके चेहरे पर अलखें का मतलब होता है केश बाल, या हम बाल भी कह सकते हैं, केश बाल जो हैं वो मुख के ऊपर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, जैसे बहुत ही सुंदर वो प्रतीत हो रही है। सामने बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, एक तरफ छत्रसाल जी हैं, दूसरी तरफ उनकी रानी हैं, और बहुत ही सुंदर वो रानी हैं, और रानी के मुख पर अचानक बालों की लट सामने आ रही है, ऊपर छलक रही है, जिससे रानी की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है, आकर्षक प्रतीत होने लगी है रानी। कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोती माल ही है चलके। कवि भूषण कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंग नवीन ऐसा प्रतीत होता है कि वो नए नई दुल्हन हो, जैसे कोई नया उनका अंग प्रत्यंग है। शारीरिक सुंदरता में लक्ष्मी देवी का कोई मिसाल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। कवि भूषण कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है। विराजत मोती माल ही है छलके, छलके का मतलब होता है दिखाई देना, ये का मतलब होता है हृदय।
मोती माले यानी मोतियों की माला, विराजत यानी विद्यमान है या धारण किए हुए हैं, अपने सुंदर रंग रूप पर बहुत ही रंग की बहुत ही साफ सुथरी सुंदर अंग की वह प्रतिभा की धनी वह नायिका है। अंग प्रत्यंग में उसके सौंदर्य झलकता है और अपने गले में उसने सुंदर अपने हृदय पर सुंदर मोतियों की माला धारण की गई है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो कवि भूषण ने उनकी वो जो सुकमा देवी है उस सुकमा देवी के शारीरिक सौंदर्य को बड़े ही आकर्षक शब्दों में हमारे सामने रखा है। उन दोन की मनसा मनसी नित होई ललना लदके, उन दोन की यानी उन दोनों की कौन, लक्ष्मा देवी और छत्रसाल, ये दोनों ही मनसा मनसी नित होत लगना, मन से मनसी यानी कि रहने का मतलब होता है दोनों का मन एक जैसा है, दोनों ही सौंदर्य के धनी हैं, दोनों का मन ही सौंदर्य के प्रति आकर्षित है। नित होई ललना, ललना का मतलब होता है नायिका या कोई भी नई दुल्हन दिखाई दे रही है, यानी वह लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी के साथ साथ छत्रसाल भी है, दोनों एक दूसरे की मनोस्थिति को मन को जानते हैं, दोनों के मन की बात है, वह सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वो दोनों ही सौंदर्य के प्रतिमान हैं, दोनों ही मनसी नित होई, और राजा छत्रसाल के मन में वह लक्ष्मी देवी पूरी तरह से रच बस गई है, अर्थात वो बहुत अच्छी लगती है। लक्ष्मी देवी के प्रति छत्रसाल का प्रेम इसमें प्रकट किया गया है, जैसे एक सुंदर नई नवेली कोई नायिका हो उस नायिका की भांति उसका रूप सौंदर्य दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है। भरी भाजन बाहर जात मनु मुस्कानी की दो छवि छलके, जब रानी मुस्कुराती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी छवि ऐसा लगता है कि भरी यानी वो जैसे कोई पात्र भर जाता है किसी चीज से, उसी तरह से वह खुशियों से या मुस्कुराहट उसकी है, उस मुस्कुराहट पूरे शरीर में समाहित है, वो पूरे शरीर में यानी कहने का मतलब होता है वो पूरी तरह से प्रफुल्लित है। भरी भाजन बाहर जात, जैसे कोई भजने कोई पात्र होता है पूरी तरह से भर जाता है तो बाहर झलक जाता है, तो उनकी मुस्कुराहट जो है वो उनकी जो छवि है वो देखने लायक है, उनकी हंसी उनकी छलक उनका जो रूप है वो अपने आप ही बाहर झलक जाता है, लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, लोग उनकी यश की प्रशंसा करते हैं, लोग उस लक्ष्मी देवी सुकमा देवी के सौंदर्य की चर्चा करते हैं, जैसे कोई पात्र भर जाता है बाहर झलकने लगता है उसी तरह से उसकी मुस्कुराहट भी शारीरिक सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पद्यांश में लक्ष्मी देवी के ही शारीरिक सौंदर्य को कवि भूषण ने बहुत ही आकर्षक शब्दों में प्रस्तुत किया है कि किस तरह से राजा या जो लक्ष्मी देवी है एक नायिका के रूप में उसका चित्रण कर दिया है, क्योंकि यहाँ रीतिकाल का समय है और रीतिकाल में देवी देवता भी एक नायक नायिका के रूप में जब सामने आ सकते हैं तो लक्ष्मी देवी क्यों नहीं, लक्ष्मी देवी में भी वो सारे गुण हैं जो एक नायिका में होनी चाहिए, वह सौंदर्य की धनी है, उसकी मुस्कुराहट सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, अंग में उन्होंने अपने शरीर में या सुंदर शरीर पर मोतियों से युक्त सुंदर माला अपने हृदय पर धारण किए हुए हैं, एक देवी के समान सदृश्य वह रूप प्रकट होता है। इस प्रकार से कवि भूषण ने यहाँ पर वीरता के स्थान पर यहाँ पर श्रृंगारिकता का ही सबसे ज्यादा चित्रण किया है, श्रृंगार को ही महत्व दिया है,
ये श्रृंगार है शारीरिक सौंदर्य का, एक नारी सौंदर्य का श्रृंगार, और वो भी लक्ष्मा देवी के शारीरिक सौंदर्य का। किस तरह से बहुत छोटी से चार पंक्तियों का ये पद्यांश है, किंतु भाव सौंदर्य की दृष्टि से हम ये अगर देखें तो इसमें अलंकारों की भी परमार है, यमक, श्लेय, रूपक और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी हम देख सकते हैं। अल के, छल के, लल के, छल के, इस तरह के जो शब्द है वो एक रागात्मक संबंध जोड़ते हैं। छंदों की भी आवृत्ति इसमें हुई है, छंद भी इसमें देखे जा सकते हैं। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, पात्रों के अनुकूल कवि ने अपनी मनों की जिज्ञासा को इसमें प्रकट किया है। निश्चित रूप से ये पद्यांश जिसमें लक्ष्मा देवी के बहुत शारीरिक सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि रीति काल के सभी कवियों ने सौंदर्य को ही सर्वाधिक महत्व दिया है, और सौंदर्य के कारण ही रीति काल के कवियों की जो रचनाएं हैं वो काफी चली है। और अलंकार और छंद बिना छंद और अलंकार के तो कवि, और रस जिसे काव्य की आत्मा मानी गई है, रस में समस्त प्रकार के रसों का समावेश हमारे कवियों ने किया है, चाहे वो श्रृंगार हो, हास्य हो, करुण हो, रौद्र हो, भयानक हो, सभी रसों का समावेश रीति काल के कवियों ने किया है, और साथ ही साथ छंद और अलंकार के नए रूपों का भी प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। तो ये हमारा जो पद्यांश था वो शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के बारे में था। अंतिम जो हमारा पद्यांश था वो पद्यांश लिया गया था एक श्रृंगारिकता को लेकर के, क्योंकि छत्र कहते हैं ना कि कोई भी समय, यानी कहने का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी वातावरण से बच नहीं सकता, तो कवि भूषण भी श्रृंगारिकता से बच नहीं सके हैं। उन्होंने कहीं कहीं श्रृंगारिकता की छींटे, हम ये नहीं कह सकते कि अत्यधिकता या श्रृंगारिकता को ही वो महत्व देते थे, किंतु उस समय का प्रभाव जो रीति काल पे सभी कवियों पर था, श्रृंगारिकता की मुख्य भूमिका उसमें रही है। श्रृंगार चित्रण कला पक्ष की प्रधानता रही है, हम ये भी कह सकते हैं कला पक्ष में जो आपके भाव पक्ष गौण हो जाता है, जहां कहीं भी भावनात्मक कला पक्ष में छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इसके अलावा आपके इसके अलावा व्याकरण, तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं का समावेश इन काव्यों में देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं अरबी फारसी तो बहुत कहीं स्थानों पर मिलता है, लेकिन कहीं कहीं इनका आभाव भी देखा जा सकता है। तो अब हमने केवल रीति काल के या हमारे कवि भूषण के जो समस्त हमारे पद्यांश थे उन पद्यांशों का अध्ययन किया। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवियों के रूप में इनकी चर्चा की जाती है। इनके समस्त जो काव्य हैं उन समस्त काव्यों में अलंकार रस, अलंकार में अनुप्रास, रूपक, उपमा, इन समस्त अलंकारों का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। भाषा तो ब्रज भाषा में ही है, ये समस्त जितना भी काव्य है वो सब ब्रज भाषा में लिखा गया है, और ब्रज भाषा में होने के कारण भाषा सरल भी हो सकती है, और कहीं तत्सम तद्भव शब्द का प्रयोग भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह हमारा अंतिम पद्यांश था, और आगामी जो हमारे शेष जो कवि रह गए हैं
जो हमारी रीति काल से जो हमारे सेकंड ईयर में चलता है पेपर, उसके आगामी जो भी कवि हैं उनका अध्ययन हम आगामी कालांश में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।